News 18, India. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पंजाब के किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने के अपने प्लान को 2 दिनों के लिए टाल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडे ने कहा है कि वो अगले 2 दिनों तक आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार औपचारिक तौर पर बातचीत के लिए बुलावा भेजेगी तो बैठक पर विचार करेंगे। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद ये फैसला लिया है। और इधर हरियाणा पुलिस ने एक बयान जारी किया और बताया कि प्रदर्शनकारियों के हमले में 12 पुलिसकर्मी हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च डालकर पुलिस का घेराव कल किया था। तो देखिए, जब ये टकराव की स्थिति पैदा हुई है तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। पहला ये कि किसानों में से एक किसान की जान चली गई और दूसरा जो हरियाणा पुलिस के जवान है उनमें 12 पुलिसकर्मी हैं जो घायल हो गए हैं। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये हंगामा, ये इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें कोई समाधान नहीं है। टेबल पर बैठकर बातचीत करना ही एकमात्र समाधान। सरवन सिंह पंडित हमारे साथ हैं। 2 दिन का दिल्ली कूच रोका गया है, वजह क्या है? देखिए, अभी जो खनौरी में बड़ी घटनाएं घटी है, जिस तरह से एक किसान को सीधी बुलेट ला के शहीद किया गया, 3 गंभीर जख्मी हैं। वहाँ खनौरी बॉर्डर में घुस के जिस तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियों का अर्धसैनिक बलों ने नुकसान किया, ये सब बातों पे समीक्षा करके उनके घर परिवार से मिलकर आगे किस तरह से हम सोचे, उसके लिए 2 दिन का विश्राम। सरकार की तरफ से निमंत्रण आया, ट्वीट किया करके कहा कृषि मंत्री ने कि 5वें दौर की बातचीत कर लेते हैं, आप लोग बैठक के लिए नहीं गए, फिर ये मैसेज संदेश जाएगा कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते? बिल्कुल झूठी बात है। हमने जब बात करने उसे ट्वीट लीक कर दिया था, फिर ये बयान दे MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाने के हल के लिए और अन्य मांग के लिए वार्ता होगी। उन्होंने इस तरह का बयान दिया नहीं तो केंद्र की मंशा स्पष्ट होगी कि वो MSP गारंटी कानून बनाना ही नहीं चाहते। इसके बीच में खरौरी की घटना हो गई तो ये बात थी, केंद्र भाग रहा है। अब सरकार से आप क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? वो तो बोल रहे हैं हम हल करेंगे, तो बोला ये बयान तो दीजिए MSP खरीद की गारंटी का कानून के हल के लिए मीटिंग करेंगे, कौन इनकार करेगा? कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, शंभू बॉर्डर। उधर अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि सरकार किसानों से पहले भी चर्चा के लिए तैयार थी, आगे भी तैयार है, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं, और इन सब के लिए रिकॉर्ड काम किया है। हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थाई समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें।